तरीके से लोग सारी सजते हैं। अभी पेपर में आया इरफान अंसारी जहां से चला गया दिल्ली चला गया। मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं हमारे यहां भाई हेमंत सोरेन जी, और अगर हेमंत सोरेन जी को अगर हम लोग नाम मानते हैं तो इरफान अंसारी उनका हनुमान भक्त है, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। कुछ लोग तरह तरह की अफवाह उड़ा देता है, और मैं कहना चाहता हूं लोगों को, मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं, मैं रंग में कांग्रेस का पुत्र है, मैं इरफान अंसारी का बेटा हूं। भाजपा वाले मीडिया में छापवा देता है, चारों ओर जहां जाइए आपको इरफान अंसारी मिलेगा, जैसे मेरा क्या कहना है। इरफान अंसारी का मतलब यह है 18% अल्पसंख्यक, आपका सर में झुक भी नहीं दूंगा, ये कहना चाहता हूं। हर जगह आप जाइए, कहीं भी चले जाइए, केवल जानता ही नहीं, राज्य के किसी भी जिला चले जाइए, किसी अल्पसंख्यक को उत्तम करता है तो वहां सबसे पहले इरफान अंसारी आगे आता है, ये मैं कहना चाहता हूं। भाजपा का सरकार था यहां, किस तरह से आपने देखा होगा हमारे अल्पसंख्यक बच्चों को काटने का काम किया, मारने का काम किया। और आज अगर मैं बोलता हूं तो हमारे ही देश लोग इरफान अंसारी को बदनाम करने का प्रयास करता है, मुझे खराब लगता है। मैं हज कमेटी का चेयरमैन भी मुझे याद किया, मैं चाहता हूं यह आपका काम हो, आपका विकास हो, सरकार में आपकी भागीदारी हो, ये सब हवा पानी और बदनामी अखबारबाजी मत कीजिए। मैं क्या देना चाहता हूं, ये जो लड़ाई है ये सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल एक मंत्रिमंडल का, जिस दिन ये एक मंत्रिमंडल सरकार फुलफिल कर देगा उस दिन लड़ाई अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं जो लोग इरफान अंसारी पर दाग लगाते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं बाज आओ। हमेशा आपने देखा होगा लोकसभा सीट में फुकान अंसारी की जैसा मजबूत योद्धा तो झारखंड ही नहीं पूरे देश में नहीं होगी। उनका टिकट काट दिया साजिश के तहत, और आज जब लोकसभा आ रहा है देख रहे कि फुकान अंसारी जीत जाएगा तो इनका बेटा को कमजोर कर। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।